बलौदाबाजार कलेक्टर कार्यालय में आग लगाए जाने की घटना के बाद वहां की पुलिस शनिवार को दूसरी बार भिलाई नगर के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। इस दौरान पुलिस और देवेंद्र यादव के समर्थकों की बहस हो गई। जब बलौदाबाजार पुलिस विधायक देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 स्थित निवास पर पहुंची तो इसकी जानकारी के बाद उनके समर्थकों को भी हो गई। इसके बाद पुलिस से बहस की गई। इस समय बलौदाबाजार पुलिस देवेंद्र यादव के घर के बाहर इंतजार कर रही है, तो वहीं इस दौरान विधायक देवेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि बलौदाबाजार प्रकरण में सतनामी समाज के युवाओं के लिए, निर्दोष व्यक्तियों के लिए आवाज उठाने पर भाजपा सरकार साये की सरकार ने मेरे घर पर 15 गाड़ी पुलिस भेजी है मुझे गिरफ्तार करने के लिए। अगर सरकार सोचती है कि पुलिस के डंडे से मुझे आवाज उठाने से रोक देगी तो वे गलत फहमी में है। मैं सतनामी समाज के आम युवाओं की, निर्दोष लोगों की आवाज बनकर लड़ता रहूंगा। इसके लिए ये सरकार चाहे मुझे जेल क्यों ना भेज दे। भाइयों नमस्कार। सोशल मीडिया में जो मेरे साथी मुझे देख रहे हैं, आप सब से मिलने, आप सब से अपनी बात कहने आया हूं। आज बलौदा बाजार प्रकरण में सतनामी समाज के युवाओं के लिए, निर्दोष व्यक्तियों के लिए आवाज उठाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, साय जी की सरकार, मेरे घर 15 गाड़ी पुलिस की भेजी है मुझे गिरफ्तार करने। मैंने कहा था बयान के लिए बुलाए थे, मैं बुलायन के लिए गया था, लेकिन अगर सरकार ये सोचती है कि वो मुझे, मेरी आवाज को इस तरीके से रोक देगी, पुलिस के डंडे पे रोक देगी, दबाव पे रोक देगी, FIR की धमकी पे रोक देगी, तो वो गलत फहमी में है। सतनामी समाज के आम युवाओं की, निर्दोष लोगों की आवाज बनकर मैं हमेशा गरजता रहूंगा, बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। इसके लिए ये सरकार मुझे चाहे तो जेल भेज दे, मुझे चाहे तो FIR में डाल दे, जो कर सकती है बर्बरता मुझ पर कर सकती है। मैं इस देश के संविधान पर विश्वास करता हूं। मैं सतनामी समाज के मनखे एक समान की जो भावना है, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, उस भावना से प्रेरित होकर काम करता हूं। और 12 बजे आज पता चला, मैं सुबह उठा तो सुबह 5 बजे से पुलिस की गाड़ी मेरे घर के चारों तरफ घूम रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं पुलिस के सम्मानित लोगों को जो देख रहे हैं ये वीडियो, 12 बजे अपने दफ्तर आऊंगा, जो करना होगा कर लेना, और याद रखना मैं रुकूंगा नहीं, ना डरूंगा ना दबूंगा। सतनामी समाज के आम लोगों की भावनाओं, उनकी लड़ाई मैं लड़ते रहूंगा।